नाउ विल सी अबाउट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। सो आप मुझे बताइए कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की क्या खासियत है, इसमें किस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है और अभी तक कितने जनरेशन के कंप्यूटर्स अवेलेबल है। सो द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ की गई? बिकॉज द टर्म नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इज़ बीन यूज इन रिसेंट टाइम्स बाय द जापानीज। तो जापानीज़ लोगों ने ये किप्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये यूज की फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। क्यों यूज़ की? बिकॉज इन कंटेक्स्ट विद देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इन्होंने जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के निर्माण में जो भी सहयोग दिया, जो एफर्ट पुट किया उन्होंने, इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की। तो ओके, सो वेट, सो दिस इज दिस एंड द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, आपको पता ही होगा, जो भी रोबोटिक्स वगैरह ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है, जहाँ पे आपको बहुत सारे काम आपके इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। सो पर्टिकुलरली इसमें किस तरीके का, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में किस तरीके का AI यूज़ किया गया है? सो न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आर्किटेक्चर, सिमेंटिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेसेस, लिंग्विस्टिक थ्योरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरफेरेंस सिस्टम्स एंड सो ऑन। सो दीज आर ऑल हैव बीन यूज्ड इन दिस डिज़ाइनिंग ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, वॉट इज दिस ऑल? लाइक सिमेंटिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देन रिलेशनल डेटा बेसिस, लिंग्विस्टिक्स थेरी एंड न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आर्किटेक्चर। सो हाउ दे आर एक्चुअली हैव बीन डेवलप्ड? इफ एनीबडी हैज़ द नॉलेज ऑन कंप्यूटर्स, देन दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन।